मेरा नाम विकास कृष्ण है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और भारत के लिए मैं तीसरी बार ओलंपिक्स खेलने जा रहा हूं। मैं एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट। प्रेशर होना स्टार्ट हो गया। बुझे नो के मेरे पे बहुत सारी आशाएं हैं, एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स की और मेरे खुद की, मेरे फ्रेंड्स की और जो भी बॉक्सिंग फैंस हैं, जो बॉक्सिंग को जानते हैं, उनकी बहुत सारी आशाएं मुझ पे टिकी हुई हैं। तो हल्का फुल्का भी मेरे को प्रेशर होना स्टार्ट हो गया है, बट उनके मैं उस प्रेशर को इस तरीके से रिलीज करता हूँ कि मैंने पिछला पूरा लॉकडाउन सबसे बेहतर ट्रेनिंग की, उसके बाद जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया मैंने उसके बाद सबसे बेहतर ट्रेनिंग की। तो इस तरीके से मैं प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करता हूँ। मेरे दिमाग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, यू नो कि रात को कभी उठ जाता हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, यू नो एक्चुअली आई हैव अ फाइट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स बोथ। व्हाट इफ आई लूज, व्हाट इफ आई विन, व्हाट इफ आई लूज, यू नो दैट्स हाउ राइट दैट्स व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस। बट इन 2010 व्हेन आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट एशियन गेम्स आई वाज अ यूथ कंप्लीटली, आई वाज जस्ट 18-19 इयर्स ओल्ड एंड it was totally new experience. I was the most junior guy in the team. Right now I am the much more senior most guy in the team. So you know ke agar aap comparison karoge to us samay main zyada youth tha, ab main sabse zyada experienced hu. So you know I am a captain of the team right now. I'm the most experienced, so I'm the captain of the team. So you know, if the captain gets frustrated, so you think how other guys will feel. So I have a lot of things running in my mind also, but I don't let people see those things. अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पूरा वर्ल्ड ही लॉकडाउन के अंदर था, हमारे नहीं किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, परंतु उसमें भी मैंने जो द बेस्ट हो सकता है मैंने वो किया है। यू नो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, क्योंकि जब पहले बचे हुए थे 400 दिन शायद इतने कुछ बचे हुए थे, जब हमें पता लगा कि ओलंपिक्स भाई नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन हो चुका है, तो फिर मैंने हर दिन ये सोच के ट्रेनिंग की कि ओलंपिक्स जब आएगा तो मेरे को बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होगा, मैं बिल्कुल नर्वस फील नहीं करूँगा, यू नो कि मैंने ऐसा सोचा था। और उसके लिए मैंने हर दिन अपना ओलंपिक्स के रिगार्डिंग लगाया था, चाहे लॉकडाउन हो। लॉकडाउन के अंदर मेरे को लगता मैंने वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग की। जैसे लॉकडाउन खुल गया, हल्का फुल्का लॉकडाउन खुल गया था, तो मैं अपने यूएस ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। यू नो कि आई डिड व्हाट एवर आई कुड हैव डन, आई डिड माय ऑल बेस्ट एंड नाउ इट्स ओनली 39 और 38 डेज लेफ्ट फॉर द ओलंपिक्स, सो आई एम प्रिपेयरिंग माय बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू विन ओलंपिक्स। मेरे को अब है ना, मैंने ट्रेनिंग इतनी हार्ड की कि मेरे को लक की जरूरत है, यू नो कि आई डोंट नीड लक दिस टाइम, आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट आउट देयर एंड गोइंग टू विन देयर। Because you know, like that, of course, the competitors are strong. Some of the guys are ranked world number 1, 2, 3, 4. Eventually, I have to beat those guys to get that gold medal. But I am in my best shape, and my age category, like my age is around 30 now. So this is the best peak time. I'm no longer a youth. So I'm at my best. This is my time. That's what I'm thinking. This is my time. I'm gonna go there and win the Olympics. That's it. It's nothing more than that. That's straightforward. कोई बंदा अगर बोलेगा कि डिंकू सिंह बहुत अच्छे बॉक्सर थे, डिंकू सिंह ये थे वो थे, वो डिंकू सिंह को नहीं जानता। डिंकू सिंह वाज मच मोर एक्सेप्शनल बॉक्सर, ही उसके पास उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था और प्लस उनके पास पावर थी, एक्सप्लोसिवनेस थी, उनके पास सब कुछ थी। वो सिर्फ ओलंपिक मेडल इसलिए नहीं जीत पाया बिकॉज ही वाज सेटिस्फाइड
उस समय इंडिया के एशियन गेम्स के अंदर मेडलिस्ट नहीं आते थे, एंड ही वाज द एंड ही गॉट गोल्ड मेडल देयर. सो यू नो के वो बहुत एक्सेप्शनल बॉक्सर थे. और जब मैं सब जूनियर के अंदर ट्रेनिंग करता था तो डिंकू सिंह के लोग एग्जाम्पल दिया करते थे राइट नाउ के उन डिंकू सिंह के अंदर इतनी पावर है, वो कभी किसी डरते नहीं. व्हेन एवर ही सीज ही डजंट सी द अपोनेंट ही जस्ट ओनली जब वो अपने ड्रा को देखते हैं तो सिर्फ वो अपना कॉर्नर देखते हैं, आई एम प्लेइंग रेड और ब्लू. So if I'm playing red, oh, I'm going to beat him. If I'm going to play blue, oh, I'm going to kill him. So he has that kind of mentality. He was very tough mental. और फिर मैंने उनकी उनकी कोई मैंने फाइट तो नहीं देखी अभी तक, बट कुछ चीज़ें उनका एग्जाम्पल दिया करते हैं. डिंगो सिंह कभी अफ्रेड नहीं था, ही वॉज लो एंड हार्टेड गाय. सो दैट थिंग अफेक्टेड मी. एंड वेन आई वॉज इन द फाइनल्स इन 2010 एशियन गेम्स, सो देन इन एवरी न्यूज पेपर इट वॉज लाइक कैन ही बी एबल टू ब्रेक ब्रेक डिंगो सिंह रिकॉर्ड बिकॉज दैट he won a gold medal 12 years back. So then that guy, that name pumped in my mind all the time of whether I'm going to break the Kosek's record or not. Then eventually I equalized him and he was a nice guy.